नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ दिन बाद गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि वह स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जो नामांकन वापस लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं। इसके बाद उनकी पार्टी DPAP के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन से अपना नाम वापस ले लिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि वह चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर किसी प्रत्याशी को लगता है कि वो मेरी गैर मौजूदगी से उनका चुनावी संभावना प्रभावित होती है तो वे नामांकन वापस ले सकते हैं या वे चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। उधर मंगलवार को प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल किया, हालांकि शुक्रवार को इनमें से 4 ने नाम वापस ले लिए। जिन 4 सीटों से नाम वापस लिए गए हैं वे जम्मू के चेनाब रीजन से हैं, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन जिला शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इनमें से आजाद गुलाम नबी आजाद ने 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उन्होंने कश्मीर डिवीजन के लिए 7 और चेनाब रीजन के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भदरवा सीट से मोहम्मद असलम गोनी, इंदरवाल से फातिमा बेगम, बनिहाल से आसिफ अहमद खांडे और रामबन से गिरधारी लाल भाऊ ने नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में अब भदरवा से भी DPAP का कोई प्रत्याशी फिलहाल चुनावी मैदान में नहीं है, जो कि गुलाम नबी आजाद का गृह क्षेत्र है। प्रत्याशियों में से अहमद खांडे ने कहा है कि आजाद साहब स्टार कैंपेनर हैं और वह बीमारी के कारण चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो हमने नामांकन वापस लेने का फैसला कर लिया है। हमारा चुनावी क्षेत्र पहाड़ी इलाके में है तो वहाँ आजाद साहब चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आती हैं। अब ऐसे में 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों में क्या कुछ परिणाम सामने निकल कर आ पाते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है 14 साल से जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। अब ऐसे में जब हाल ही में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाता है और अब चुनाव यहाँ पर कहीं ना कहीं नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ पर सूबे की जो पार्टियां हैं उनकी पकड़ राजनीति पे मजबूत होती हुई दिखाई देगी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।